हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे यूनिट 24 का। सो हमारे चैप्टर का नाम है ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, मॉड्यूल डी, यूनिट 24 का पार्ट 3। और हमारी सीरीज है कंसेप्ट बी एंड क्वेश्चन बी। सो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्वाइन अवर फ्री डेली लाइव क्लासेस एट यूट्यूब फॉर जेआईबी, सीआईबी एंड प्रमोशन एग्जाम्स। इन दीज क्लासेस वी आर कवरिंग कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस थ्रू केस स्टडी, राइट? देखिए, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। सो इन पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे और इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, सिंस 2007 इंडिया हैज प्लेस्ड अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन ग्रीन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। सो 2007 के बाद से इंडिया में ग्रीन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को पे ज्यादा फोकस किया गया है पिछले कुछ टाइम से। राइट, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड अ नोटिफिकेशन इन दिसंबर 2007 टाइटल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल ऑफ बैंक्स। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2007 में एक आप कह लीजिए एक नोटिफिकेशन निकाला था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर, राइट? और उसमें क्या डिस्कस किया था? उसमें डिस्कस किया था कि ये सब चीजों में बैंक्स के क्या रोल होंगे। उसको लेकर आरबीआई ने क्या किया था, नोटिफिकेशन निकाला था। विद इन दिस नोटिफिकेशन द रिजर्व बैंक हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द इश्यूज पर्टेनिंग टू अ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो इस नोटिफिकेशन में रिजर्व बैंक ने हाईलाइट किया था कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या इश्यूज हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिसंबर 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें उसने कुछ चीजों को हाईलाइट किया था, स्पेशली सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो इनको लेकर उन्होंने कुछ नोटिफिकेशंस निकाले थे अंडर द नोटिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC वॉज डेवलप्ड इन 2008 विद द गोल ऑफ आउटलाइनिंग द जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में उसको डेवलप किया 2008 में, और उनका जो गोल था वो क्या था, जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी असर पड़ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको लेकर कुछ जनरल पॉलिसीज का फ्रेमवर्क हमारा बनाया गया थ्रू द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से, राइट? फोर्थ पॉइंट देखिए, दिस प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड विद अ विजन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडिया, द क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट ऑल्सो नोन एज CCFU वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2011। सो CCFU मतलब क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट, इसको हम CCFU भी कहते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया 2011 में
टू सर्व एज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर द मेनी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन फाइनेंस. सो दैट मीन्स कि ये जो हमारा प्लान है, एक हमारा प्लान बनाया, इसका जो विजन था, विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो भी क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट है CCFU, उसको एस्टैब्लिश किया गया. और उसका पर्पस क्या था? एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के थ्रू सर्व करना टू मेनी इंस्टीट्यूशंस जो भी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड, फिर चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, कुछ भी हो, अगर वो ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड है तो उन एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करेगी CCFU. इसको 2011 में बनाया गया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, या एक बार उन पॉइंट्स को, उनका जो हाइलाइट्स हैं वो देख लेते हैं एक बार दोबारा से. देखिए, 2007 में, अभी तक अगर हम देखें 2007 तक, ग्रीन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस पे फोकस किया जा रहा है. और अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला था कब? दिसंबर 2007 में. और उसमें क्या, उसकी जो हाइलाइट्स है वो क्या थी? वो थी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड. फिर NAPCC को डेवलप किया गया 2008 में. इसका जो गोल था वो क्या था? जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकें, राइट? फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बताइए व्हाट इज द गोल और व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ NAPCC, राइट? और उसके अलावा एक क्या बनाया गया? क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट CCFU बनाया, जो कि 2011 में जिसको एस्टैब्लिश किया था, राइट? इसका काम क्या है? इसका काम है कोऑर्डिनेट करना उन एजेंसीज के साथ जो कि ग्रीन फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक NAPCC 2008 में आया. काम क्या है? पॉलिसी बनाना क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए. CCFU 2011 में बना. टारगेट क्या है या एम्स क्या है? इनके एम्स हैं कि कोऑर्डिनेट करना उन एजेंसीज के साथ जिन एजेंसी जो ग्रीन फाइनेंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? सो आई होप अभी क्लियर होंगे ये पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, सिंस 2012 द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप हैज बीन द इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर. सो अभी तक जितने भी स्टेप्स लिए गए इस एरिया में, उसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था वो था हमारा क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स, कि ये सब चीजों को डिस्क्लोज किया जाए, राइट? जो भी ग्रीन फाइनेंस है या जो भी आप काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, सो उसको क्या किया जाए? उसको डिस्क्लोज किया जाए इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज. सिंस 2012 द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज मेड इट रिक्वायर्ड फॉर द टॉप 100 लिस्टेड बिजनेस बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एट BSE एंड NSE टू पब्लिश एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स. सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, सेबी ने क्या किया है? सेबी ने बोला है कि जो भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं BSE और NSE में, उनको क्या करना है? उनको पब्लिश करना है अपना एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स, की वो टॉप 100 कंपनीज ये बताएंगी कि पूरे साल में उन्होंने क्या क्या चीजें की टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, टुवर्ड्स ग्रीन फाइनेंस, राइट? सो इन सब एरियाज में उन्होंने क्या काम किया, उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है
100 लिस्टेड कंपनीज को बीएससी और एनएससी की। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिशन द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 रिक्वायर्स बिजनेसेस टू रिपोर्ट एनुअली ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड फुलफिलिंग देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो यहां पर देखिए, सेबी ने एक तो ये मैंडेटरी कर दिया, सेबी ने बोला कि जो भी टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं बीएससी और एनएससी पर, उनको क्या करना है, उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, राइट। सो इन एडिशन विद कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या किया, उन्होंने भी ये चीज कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दी कि वो एनुअली रिपोर्ट करेंगे ऑन देयर प्रोग्रेस टूवर्ड फुलफिलिंग देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सेबी ने तो किया 2012 में, सेम चीज कंपनीज एक्ट 2013 में भी किया और बोला कि जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी बिजनेसेस कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हैं, सो वो एनुअली रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है टूवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब वो क्या कर रही हैं, लाइक कोई कंपनी हॉस्पिटल बनवा रही है, या फिर किसी हॉस्पिटल में कुछ इक्विपमेंट्स उन्होंने डोनेट कर दिए, या कोई स्कूल में कोई नया एक रूम बना दिया, राइट, या फिर कोई प्लेग्राउंड बना दिया। तो ये सब चीजें जो हैं कंपनीज की, ये सब आती हैं अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। क्लियर है ये चीज? द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच वॉज रिलीज इन अक्टूबर 2017 सजेस्टेड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड गैदर टुगेदर एट लीस्ट वंस अ ईयर टू पर्टिकुलरली डिस्कस सक्सेशन प्लानिंग, ESG, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। सो ये जो रिपोर्ट गई ऑफ कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो कमेटी है वो रिलीज हुई अक्टूबर 2017 को। उसने जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको सजेस्ट किया कि आप लोगों को एक साल में, एटलीस्ट वंस अ ईयर, आप लोगों को एक साथ मिलकर डिस्कशन करना चाहिए, राइट, कि जिसे आप प्लानिंग कर सके, ESG कर सके, रिस्क मैनेजमेंट कर सके, स्ट्रेटजी कर सके, राइट। सो ये सब चीजों के लिए आपको क्या करना है, साल में एक बार जरूर मिलना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट्स? सो इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो ये सेबी ने बोला है कि टॉप 100 लिस्टेड कंपनी जो है एनएससी बीएससी पे, उनको क्या पब्लिश करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्ट्स, एनुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स। कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला है कि रिपोर्ट करना है, एनुअली रिपोर्ट करना है अबाउट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला है कि इनको एटलीस्ट साल में एक बार मिलना चाहिए। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए। इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो इंडिया ने बहुत सारे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है। ये जो इंसेंटिव्स हैं, दीज इंसेंटिव्स आर इन लाइन विद द कमिटमेंट्स दैट इंडिया मेड अंडर पेरिस एग्रीमेंट इन 2015 टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बाय 33 to 35% बिलो द लेवल दैट दे वर एट इन 2005 एंड टू अचीव 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। सो
यहाँ पर देखिए कि इन्होंने ये जो इंसेंटिव्स लिए हैं, इसमें ये जो इंसेंटिव्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, वो जो इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है सो उस पे बेस्ड हैं। 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको क्या करना है, उनको हमें रिड्यूस करना है, उनकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है बाय 33 to 35। और हमें अपने जो कौन से लेवल से नीचे जाना है, हमें 2005 में जब हम थे, टू अचीव 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030, राइट। सो 2030 तक हमें इस टारगेट को अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ सब्सिडी दैट कवर्स 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स ऑन रूफ टॉप्स। सो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। कितना परसेंट? 30% सब्सिडी दे रहे हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पैनल ऑन द रूफ टॉप। कि अगर जो पॉपुलेशन है या इंडिया में जो भी लोग अपने रूफ टॉप्स पे सोलर पैनल लगाते हैं, तो वो उनकी जो भी कॉस्ट होगी उसका 30% की सब्सिडी कौन देंगे? गवर्नमेंट्स। दिस सब्सिडी इज अवेलेबल टू इंस्टीट्यूशनल, रेजिडेंशियल एंड सोशल सेक्टर्स। सो ये सब्सिडी सबके लिए है। दिस सब्सिडी कैन कवर अप टू 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इन सम ऑफ स्टेट्स दैट फॉल अंडर द स्पेशल कैटेगरी। सो कुछ जो स्पेशल कैटेगरी के जो हमारे स्टेट्स हैं वहां पर ये जो सब्सिडी है वो अप टू 75% भी, सॉरी अप टू 70% भी हो सकता है, राइट। सो नॉर्मली ये जो सब्सिडी वो 35% है, बट कुछ स्पेशल स्टेट्स स्पेशल कैटेगरीज में ये जो लिमिट है या ये जो सब्सिडी वो 70% भी है। राइट। चलिए सो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले देखिए कि आप हमारे जो लाइव क्लासेस देख रहे हैं क्या वो एनफ है एग्जाम को पास करने के लिए? सो आंसर इज नो, दीज क्लासेस आर नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। ऑल्दो दीज क्लासेस आर वेरी यूजफुल टू इंक्रीज द मार्क्स एंड टू पास द एग्जाम, यू शुड कवर फुल सिलेबस। और आपको पता है कि जो IIBF की बुक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें क्वेश्चंस भी कम दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, राइट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो लेसन्स ले सकते हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर है, क्वेश्चन बैंक्स आप ले सकते हैं, MCQs जो हैं हमारे उसमें आप वो कोर्सेज लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे केस स्टडीज कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, वो अवेलेबल हैं हमारी इस वेबसाइट और हमारे इस एप्लीकेशन पे। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर फिर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। चलिए सो MCQs करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखिए, व्हाट सिग्निफिकेंट एम्फेसिस हैज इंडिया प्लेस्ड ऑन सिंस 2007? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी ग्रीन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, ऑप्शन सी मिलिट्री एक्सपेंशन, ऑप्शन डी स्पेस एक्सप्लोरेशन। ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑप्शन
बी दैट इज ग्रीन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वेन वॉज द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज डेवलप्ड? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2015। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब डेवलप हुआ था? सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज ऑप्शन बी, दैट इज 2008। NAPCC 2008 में डेवलप हुआ था, राइट? सो K3 सर करेक्ट आंसर है आपका, राइट? 2008 में हमारा हुआ था। आप एक बार नोट चेक करेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे 2008 था, राइट? थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लाइमेट चेंज फाइनेंस यूनिट स्टैब्लिश्ड इन 2011? ऑप्शन ए कंडक्टिंग रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेटिंग ग्रीन फाइनेंस एफर्ट्स, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू अफेक्टेड रीजन्स। बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यस मीनाक्षी मैम, योर आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग ग्रीन फाइनेंस एफर्ट्स। सो CCFU का काम क्या है? कोऑर्डिनेट करना उन सब एजेंसीज के साथ जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सिंस व्हेन हैज इट बीन मैंडेटरी फॉर द टॉप 100 लिस्टेड बिजनेसेस टू पब्लिश एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 एंड ऑप्शन डी 2013। बताइए आंसर। सबके आंसर्स अलग अलग हैं,
बट फोर्थ का करेक्ट आंसर है K3 सर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2012। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। विच रेगुलेटरी बॉडी मेड इट मैंडेटरी फॉर द टॉप लिस्टेड बिजनेसेस टू पब्लिश एनुअल बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कंपनीज एक्ट। यस, K3 सर, भूपेंद्र सर, करेक्ट आंसर सेबी। सो सेबी ने मैंडेटरी किया है कि जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं उनको क्या करना है, अपनी जो एनुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है वो पब्लिश करनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज सेबी रिक्वायर फ्रॉम टॉप 100 लिस्टेड बिजनेसेस? ऑप्शन ए एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ऑप्शन बी सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर क्राइटेरिया, ऑप्शन सी मार्केट कैपिटलाइजेशन रिपोर्ट्स, ऑप्शन डी एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन सर्वेस। देखिए, सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है भूपेंद्र सर, राइट आंसर ऑप्शन बी सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर क्राइटेरिया। क्योंकि देखिए सस्टेनेबिलिटी में ही हमारा वो कवर हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में नहीं बोला है। राइट, हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उससे रिलेटेड या सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हमें जो इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिश करना है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन डज इंडिया एम टू रिड्यूस बिलो 2005 लेवल्स एज पर इट्स कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट? ऑप्शन ए 10 to 15%, ऑप्शन बी 20 to 25%, ऑप्शन सी 30 to 35%, एंड ऑप्शन डी 40 to 45%। K3 सर, भूपेंद्र सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 30 to 35%। एट्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी डज इंडिया एम टू अचीव फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। यस, एट का सी, K3 सर, भूपेंद्र सर, राइट आंसर दैट इज 40% बाय 2030। सो अभी और क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले देखिए अगर आप हमारी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं और आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं।
अगर और कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे जीमेल एड्रेस पे। आपको क्लास कैसी लगी है आप उसको अकॉर्डिंगली लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी क्लास बेनिफिशियल लगी है तो उसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको जो सारे नोटिफिकेशंस हैं हमारे वो टाइम पर मिलते रहें और आप क्लासेस को अटेंड कर पाएं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स और रूफ टॉप्स डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी कवर इन द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन थ्री 30%, ऑप्शन डी 40%। यस K3 सर, भूपेन सर, मीनाक्षी मैम, करेक्ट आंसर 30%। 10th क्वेश्चन देखिए, विच सेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर द रूफ टॉप्स सोलर पैनल इंस्टॉलेशन सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल, ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल एंड एजुकेशनल, ऑप्शन सी रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल, ऑप्शन डी गवर्नमेंट एंड मिलिट्री। सो यस 10th का करेक्ट आंसर K3 सर, भूपेंद्र सर, मीनाक्षी मैम, नेहा मैम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम एक चैप्टर हमारा है स्पेक। ये स्पेशल पर्पस कुछ हमारा वो है, एक टाइप का आप कह लीजिए इक्विपमेंट्स हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल डी है वो हमारा कवर हो जाएगा, एंड आफ्टर दिस चैप्टर स्पेक वी विल कंटिन्यू विद मॉड्यूल बी। एंड मॉड्यूल बी हमारा क्या है, वो न्यूमेरिकल मॉड्यूल है, राइट। मॉड्यूल बी हम लोग देखिए, मॉड्यूल ए हो चुका है, डी में हमारा बस ये वाला चैप्टर है स्पेक वो रहेगा। उसके बाद डी भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल मूव टू मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी हमारा न्यूमेरिकल है और एग्जाम में काफी पोर्शन आता है यहाँ से, डी से भी आता है बट थियोरी और न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से। बी और डी को अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारा जो काम है या इस पेपर को पास करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, राइट। सो मॉड्यूल बी में हम लोग फिर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि 1 और 2 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा स्पेक, राइट। चलो, सो थैंक यू सो मच, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आपके कोई भी क्वेरी होंगी, कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उनको पूछ लीजिएगा, या फिर अगर बाद में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जो हमारा वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच।